हेलो माय एंजल्स। इसको पहन के बिल्कुल मैं महबूबा महबूबा। वैसे मसाज कर सकते हो अपने आर्मपिट्स में। कैसे हो तुम लोग सब? हाय पीजी फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक दूसरे जगह पे हूँ, एक डिफरेंट बैकग्राउंड में, बिल्कुल केले पत्ते वाला हरा होता है, एकदम चटक सा ग्रीन मेरा बैकग्राउंड है, बिकॉज ये मेरा घर है, मेरे मम्मी पापा का घर, विच वी कॉल माइका, बट दिस इज माई हाउस। सो एनी विच वेज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का वीडियो जो है, प्राइम डे की सेल आ गई है अमेजोन पे, 26 और 27 बेस्ट डिस्काउंट्स और डील्स के साथ। अमेजोन भी कूद पड़ा है सेल की दौड़ में, तो क्यों ना हम फायदा उठाएं इस चीज़ का। सो आई थॉट मैंने जो अभी रिसेंटली अमेजोन से चीज़ें खरीदी हैं वो मैं आपको आज के हॉल में दिखा देती हूँ, क्योंकि वो इतने बम्पर 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 सेल 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 मेगा डिस्काउंट में ना कि आपको मजा आने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, कुछ ज़बरदस्त चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखा देती हूँ और शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर क्या किया है, आज के दिन में शुभ काम कर ही दो, नीचे डायरेक्ट सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो, बगल में घंटा बजा दो। ओह गॉड, मैं बता भी नहीं सकती, तुम सामने होते तो मैं गले लगा लेती, बट एनी विच वेज, वर्चुअल हग्स एंड किसेस मेरी सारी पीजी फैम को। लेट्स स्टार्ट, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रोडक्ट, जो कि मतलब मैं ऐसे बोल नहीं रही हूँ कि मुझे पसंद है, मतलब ये मुझे बहुत पसंद है, विच इज दिस वीट का ट्रिमर। तो वीट का जो ये ट्रिमर है, ये जो ट्रिमर है ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि मैंने अपनी बहन के लिए भी खरीद लिया इसको। सो बेसिकली गाइस, ये जो वीट का ट्रिमर आता है ये मेरे पास ऑलरेडी था, बट ये मैंने अपनी बहन के लिए दोबारा परचेज किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ये एक ऐसी एसेंशियल चीज़ है जो हर लड़की की ज़िंदगी में होनी चाहिए। इससे आप अपनी, इसके दो हेड्स आते हैं, ये मोटे वाला हेड है जिससे आप अपनी बिकनी लाइन का जो हेयर है, अंडर आर्म्स, बॉडी का कहीं का भी हेयर उड़ा सकते हो, बिल्कुल अस्तित्व से उखाड़ के बाहर कर सकते हो, उखाड़ के नहीं कट के बाहर कर सकते हो। एंड इसके साथ एक पतले वाला हेड भी आता है जिसके आप अपना आईब्रो वगैरह क्लीन कर सकते हो। ये ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है, आपको भी सेल में काफ़ी सस्ती मिल जाएगी। तो सारे प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो एक पतले वाला ऐसा एक हेड भी आता है जिसे आप अपना फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हो, आप अपने यू नो अपर लिप्स रिमूव कर सकते हो, आईब्रोज रिमूव कर सकते हो। मैं तो रेजर यूज़ करती थी, रेजर अभी भी यूज़ करती हूँ, बट इसको भी यूज़ कर लेती हूँ जब ज़रूरत होती है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, डेफिनेटली आई थिंक अगर आपके पास बजट है, ये 1500 से नीचे मिल जाएगी, वैसे तो है 2200-2300 रुपए की, बट 1500 के नीचे आराम से मिल जाएगी अमेजोन के सेल पे। सारे प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर चेकआउट करना, ये बेस्ट लिंक्स हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कराएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और माई हॉल स्टोर का भी लिंक है, अगर आप इंडिविजुअली हर लिंक को क्लिक करके प्रोडक्ट नहीं देखना चाहते तो माई हॉल स्टोर का लिंक है, क्लिक करना, अमेजोन की सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिख जाएंगी अमेजोन की वेबसाइट पर ही, उस लिंक को क्लिक करके। सो या दैट्स इट, सो दिस वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट, एब्सोल्युटली रिकमेंडेड फॉर ऑल यू गर्ल्स आउट देयर। एक बैटरी पर चलता है, बैटरी वो देते हैं तो आप लगाओ और चालू हो जाओ। सेकेंड जो प्रोडक्ट है ना, बहुत सारी लड़कियों ने मुझे मैसेज कर दी थी कुछ ऐसे एकदम यू नो केमिकल, कम केमिकल वाला फ्रेग्रेंस फ्री स्किन केयर दी थी, कुछ अच्छा सा स्किन केयर दी थी, सेटाफिल दी थी, सिंपल स्किन केयर। तो मैं अमेजोन पे पहुंच गई, बिल्कुल क्लिक कर ही दिया कि चलो भाई कोई सेटाफिल के प्रोडक्ट सिखा दो। सो यहाँ पे मुझे, मैंने एक लिया है सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग क्रीम। सो ये वाला जो क्रीम है मैंने लिया है बस आप लोगों के लिए ट्राई आउट करने के लिए, बिकॉज आप लोगों से मैं इतना प्यार करती हूँ कि आप लोगों के लिए ढेर सारे प्रोडक्ट मैं ट्राई कर लेती हूँ कि चलो कौन सा अच्छा है नहीं अच्छा है, मैं अपने पैसे लगा देती हूँ ताकि आप अपने पैसे लगाओ या बर्बाद ना करो, आपको ये बता सकूं। सो एनी विच वेज, मॉइस्चराइजिंग क्रीम मैंने ऑलरेडी ट्राई कर रखी है कुछ दिनों से, काफ़ी मतलब थोड़ी सी थिक है, इसका लोशन भी आता है वो थोड़ा पतला होता है, बट ये थोड़ी हल्की सी थिक है, बट स्किन में बिल्कुल बहुत इजीली ब्लेंड हो जाती है। सो आई वुड से कि आराम से ना ड्राई स्किन वाले, नॉर्मल स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑयली कॉम्बिनेशन वाले, बहुत ऑयली वाले नहीं यूज़ करो तो अच्छा है, आप उसका लोशन जो लाइट वाला वर्शन है वो ले लो, बट बाकी कॉम्बिनेशन नॉर्मल और ड्राई स्किन उसको यूज़ कर सकता है आराम से, काफ़ी बेहतरीन है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं, ऑल स्किन टाइप से, हाइपो एलर्जिक है और क्लॉग नहीं करेगा आपको पोर को, नॉन कॉमेडोजेनिक है, नॉन ग्रीजी है, नॉन इरिटेटिंग है और बहुत हाइड्रेटिंग है, प्लस बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, ले लो, जबरदस्त डिस्काउंट पे भी है, तो चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ पीपल हु वांट एकदम मतलब फ्रेग्रेंस फ्री स्किन केयर आपको चाहिए बिल्कुल अच्छी वाली, जिसमें एकदम हार्मफुल हार्शफुल ये सब केमिकल्स ना हो, सो आपके लिए मेरे पास यहाँ पे एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है विच इज़ अ सिंपल का फेस वॉश। मैंने इसको खुद अभी यूज़ करना स्टार्ट किया, मैंने इसका ट्रांसपेरेंट वाला ऑलरेडी ट्यूब पास में ट्राई कर रखा है, वो काफ़ी अच्छा है, बट ये ऐसा एक फेस वॉश है, सारे स्किन टाइप को बहुत सूट करेगा, इट्स अ मॉइस्चराइजिंग फेशियल वॉश, 100% सोप फ्री। सो SLS वाला झमेला तो यहाँ पे है नहीं,
एंड क्लीन एंड काइंड ब्यूटी एंड इट्स काइंड टू स्किन. नो आर्टिफिशियल परफ्यूम, नो कलर, नो हार्श केमिकल, नो नथिंग दैट विल अपसेट योर स्किन एंड नॉन एनिमल डेराइव्ड इंग्रेडिएंट्स. 150 ml का जो प्राइस है दैट्स 325, बट सेल पर तो बहुत ही सस्ता मिल रहा है. मतलब इससे तो सस्ता ही मिलेगा, तो डेफिनेटली जाओ चेकआउट कर लो और इसको भी परचेज करके देख सकते हो. अगर आप एक सेंसिटिव स्किन टाइप वाले भी हो तो भी आपको यह सूट करेगा. एनीवे शोज, किसी ने नोटिस किया कि मैंने अपने बाल छोटे करवा लिए? प्लीज़ देखो यार, मेरे बाल इतने इतने हुआ करते थे, मैंने अपने बाल छोटे करवा लिए. आई जस्ट कट देम बिकॉज मुझे पोस्टमार्टम हेयरफॉल स्टार्ट हो गया, तो मुझे लगा काट डालो. एनी विच वेज, वो यहाँ नेक्स्ट प्रोडक्ट एक ज्वेलरी का पीस हमने यहाँ पे ले लिया है विच इज़ फ्रॉम जूल्स गैलेक्सी. और है क्या, लाइक मेरी जिंदगी में जूल्स गैलेक्सी मैं वहीं से ज्वेलरी खरीदती हूँ अमेजोन से. एनी विच वेज एक बड़ा प्यारा सा मैंने यहाँ पे नेकलेस सेट लिया है, 200 रुपये के अंदर अंदर मिला था. अभी तो और आपको सस्ता मिलेगा, मैंने तो पहले खरीदा था लाइक 10-15 दिन पहले, तो अभी तो प्राइम डे पर तो ज़बरदस्त वाला आपको सस्ता मिलने वाला है. जाओ चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़्यादा आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, बस लिंक पे क्लिक करके आप पहुँच सकते हो. आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे अगर मेरे लिंक पे क्लिक करके जाओगे. तो एनी विच वेज, ये मैंने बहुत प्यारा सा एक नेकलेस ले लिया है, इसको पहन के बिल्कुल मैं महबूबा महबूबा वाला डांस करने वाली हूँ. तो ये वाला मेरा नेकलेस है, बहुत ही ब्यूटीफुल, 200 रुपीज़ के अंदर मिला, बड़ा प्यारा सा है, लाइक इसमें स्टार स्टार से बने हुए हैं, 250 के अंदर ही था, और एक ईवल आई बना हुआ है. तो बहुत प्यारा नेकलेस है, बट इसको यही है कि पानी वानी से बचा के रखो, यूज़ करो एंड देन इस प्लास्टिक में से ड्राई करके रख दो, चिपका के बंद करके रख दो, सेफ रहेगा, बढ़िया रहेगा, कुछ भी नहीं होगा इसको. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, हमने लिया है स्विस ब्यूटी का एक मस्कारा, ये वाला. मैंने कभी स्विस ब्यूटी का बहुत सारा मेकअप ट्राई किया बट मस्कारा ट्राई नहीं किया था, तो इसलिए मैंने सोचा इसको भी ट्राई कर लेते हैं. अफोर्डेबल मस्कारा है, आई थिंक कितना प्राइस है इसका, 249, बट डिस्काउंट में आई थिंक 199 या 189 ऐसा कुछ मिला था. चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं ऑन कैमरा, अप क्लोज एंड पर्सनल. ऐसे थोड़ी बोल दूंगी कि अच्छा है, अच्छा है, लेकिन तुमको दिखा कर लगा कर बोल रही हूँ. ये देखो ऑन कैमरा अच्छा है ना, मतलब जो मैं वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा लेती थी या फिर मेबरीन का फॉल्सी पुशअप लेती थी उस बराबर का है. ये तो करना ही था मुझे एनी विच वेज. ये देखो ये भी हो गया, मैं क्या करूँ यार, है ना. मैंने तो ठीक से लगाया भी नहीं लिटरली, मैं तो मतलब कैमरा में देख कर लगा रही थी. एसी चालू कर दिया, बहुत गर्मी है, थोड़ा पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आ गया, माफ़ कर देना यार, बहुत गर्मी है, पंखा भी बंद था. और मैं अपना मेन कैमरा नहीं लाई हूँ यहाँ पे, मैं अपना G7X लेकर आई हूँ और इसमें अच्छी माइक नहीं है, सो प्लीज़ मेरे को माफ़ करना इस चीज़ के लिए. बट ये अच्छा मस्कारा है, इसको भी ट्राई आउट कर सकते हो सेल में. नेक्स्ट अब 2-3 चीज़ें रह गई हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी तुम्हारा. मार्स का टेक अ ग्लो हाइलाइटिंग प्राइमर मैंने ले लिया. स्विस ब्यूटी का तो यूज़ कर ही रखा है, सोचा मार्स का भी कर लूँ. आप लोग सब बोलते रहते हो मार्स ले लो, इनसाइट ले लो, दीदी मार्स का बता दो, इनसाइट का बता दो, मैं सोचा कर लेते हैं आपके कहने में. तो ये मैंने शेड लिया है मून ग्लो, और बढ़िया है यार, बहुत मेरे को सही लगा. लाइक थोड़ा सा लेकर आपको दिखाती हूँ, बढ़िया एकदम स्ट्रोबिंग इफेक्ट देता है, बिल्कुल ऐसे हाइलाइटिंग प्राइमर है बिल्कुल. बट स्विस ब्यूटी वाला मेरे को थोड़ा ज़्यादा पसंद है, बट ये थोड़ा सा सटल है, स्विस ब्यूटी वाला थोड़ा ज़्यादा ग्लो दिखता है. और मैंने बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया, अगर मैं इससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्ट ले लूँ तो ये बहुत मतलब वैसा ही वाला लुक देता है स्विस ब्यूटी के जैसा. तो देखो ये देखो, सो एकदम अगर ड्यूई फिनिश चाहिए ना मेकअप, ऐसे लगे कि ड्यूई फिनिश है, आपकी स्किन एकदम ग्लो फ्रॉम विद इन है, बल्कि अगर नहीं भी हो ना ग्लो फ्रॉम विद इन, फिर भी आपको ये नकली इफेक्ट दे सकता है वो वाला, तो आप ये प्राइमर ले सकते हो. अफोर्डेबल भी है, 229 का सेल, आई थिंक और भी सस्ता मिलेगा, सो डेफिनेटली चेक इट आउट. अगला प्रोडक्ट ये था. नेक्स्ट अब चलो आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मैंने लिया है जो कि है मेरे लेंस. मैं सिर्फ और सिर्फ लेंसेज वेयर करती हूँ ओलेंस के, वैसे तो 1200 या 1300 के आते हैं. मैंने इसका रशियन वेलवेट ट्राई कर रखा है, अमेजिंग स्पैनिश ग्रे, स्पैनिश समथिंग है ना, स्पैनिश ऑलिव ट्राई कर रखा है. रशियन वेलवेट में मेरे पास ग्रीन भी है, ब्लू भी है, रियल स्काई और रियल ऑलिव, बेहतरीन लेंस. अगर आपको वो प्रॉब्लम होती है ना कि आप लेंसेज लगाते हो आपकी आंखों में बिल्कुल ऐसी फीलिंग होती है कि कट 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 कुछ लग रहा है, इरिटेशन हो रही है, अजीब सा लग रहा है, दर्द हो रहा है, आप वो लेंस के लेंस ट्राई करके देखो, आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी. मैं पहले बॉश एंड लॉम यूज़ कर चुकी हूँ, मैं फ्रेश लुक यूज़ कर चुकी हूँ, बट हर बार मेरी आंखों में इतनी इरिटेशन होती थी बिकॉज, तो मैंने बिल्कुल उनको छोड़ दिया. और मैंने वो लेंस का दामन जब से पकड़ा है तो ये मेरा चौथा लेंस है वो लेंस का. अभी इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे घर पर मैं आई हुई हूँ और यहाँ पर मेरे पास ना लेंस केस है ना लेंस सोल्यूशन, तो उसको खोल के इसका कबाड़ा नहीं करना मैंने, बट जो वापस जाऊंगी तो डेफिनेटली यूज करके दिखाऊंगी. ऑन माय वर्ड्स, आप ओलेंस के लेंस ट्राई करके देखो, अभी शायद डिस्काउंट पे आपको अच्छे रेट पे मिल जाएंगे, वैसे तो फुल MRP में मिलते हैं हमेशा. सो ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है, जरूर ट्राई करके देखो. द लास्ट प्रोडक्ट वी हैव फॉर दिस हॉल इज दिस प्लम का डिओड्राइजिंग पिट क्रीम. सो पिट क्रीम क्या है, आप अपने आर्म पिट के अंदर लगाओगे, 100% वीगन है, प्लम गुडनेस आप जानते हो, क्रूल्टी फ्री है, नेस्टीज फ्री है एंड ऑल दोज थिंग्स.
बेसिकली जैसे मुझे होता है क्या ना, मेरे पिट्स मेरे आर्मपिट्स में बहुत मतलब एक बैड ओडर आती है, चाहे मैं सोई रहूं घर में आराम भी करती रहूं, बट मेरे एक बॉडी का वो ओडर ही है कि मतलब मेरे आर्मपिट्स से अजीब सी एक ओडर आती है गंदी सी. और मैं आई डोंट प्रेफर वेयरिंग परफ्यूम्स लाइक कपड़ों पे भी एंड मिस्ट विस्ट भी लगाती हूँ, बट ये एक ऐसा चीज़ है ना जो आपको हार्म नहीं करेगा. सो दिस इज़ द प्लम हवाईन रूम्बा पिट क्रीम. ये मुझे मेरी फ्रेंड अनु सिंह ने रेकमेंड की थी एंड अफोर्डेबल है सबसे पहली चीज़ तो, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है. आपने बस इसको लगाना है ऐसे, ठीक है. इसमें एक स्पैचुला आता है, आपने स्पैचुला से क्रीम निकाल ली ऐसे, ठीक है. मैं ज़्यादा नहीं निकालूंगी कि रात का टाइम, अभी मैंने कहाँ ही जाना है इतना खुशबूदार बन के. बट एनी विच वे इन जनरल मेरे को बहुत इरिटेशन होती है, कोई मेरे बगल में भी बैठता है ना तो उसको मेरी पिट की खुशबू मिलती रहती है. तो वो मेरा प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि मैं नहा नहीं रही हूँ, अच्छे से अपने आपको क्लीन नहीं कर रही हूँ, बट दिस इज़ अ प्रॉब्लम आई हैव, मेरे साथ ये होता है. तो ये आप ऐसे मसाज कर सकते हो अपने आर्मपिट्स में एंड जो स्मेल जनरेट होती है नेचुरली ऐसे आप लगा सकते हो अपने आर्मपिट्स में. सो मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं रही हूँ बिकॉज आई हैव नॉट शेव्ड माई आर्मपिट्स, वैक्स्ड माई आर्मपिट्स इन सम टाइम, सो गंदा लगेगा, ग्रोस लगेगा. बट ये इस तरीके से आप आर्मपिट्स में लगा लो एंड जो है बिल्कुल भी ओडर जो है वो कैंसिल आउट हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है. एंड बहुत मतलब एक हेल्पफुल प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं बहुत कॉन्शियस फील करती हूँ हमेशा कि कहीं मैं आर्मपिट्स से अपनी वो आ रही है कि बगल वाले को उसकी बदबू तो नहीं आ रही होगी घर पे जब रहती हूँ. तो बहुत हेल्पफुल प्रोडक्ट है, प्लस कोई नैस्टीज कोई हार्मफुल केमिकल्स इसमें है नहीं. सो अच्छे प्रोडक्ट है, इसको भी चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक दे दिया है. सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ. कल आएगा मेरा अमेजोन का फैशन हॉल प्लस होम डेकोर हॉल, तो मैंने बेहतरीन कुछ चीज़ें ली हैं, कपड़े वगैरह बड़ी हेल्पफुल सी चीज़ें, चप्पलें, होम डेकोर का सामान, तो वो भी ज़रूर चेकआउट करना वो वीडियो. और शायद मैं एक अमेजोन लाइव भी करूँ कल शाम को, तो वो भी ज़रूर चेकआउट करना. सो डेफिनेटली आप अगले वीडियो में मिलेंगे. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, प्लीज़ 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 प्लीज़. आई लव यू ऑल सो मच, टिल देन टेक केयर, बाय. कोशिश करूंगी कि आगे की वीडियोज़ में आप लोगों के लिए इसी तरह हेल्पफुल प्रोडक्ट्स की रिव्यू करती रहूँ, क्या खरीदो मत खरीदो सब बताती रहूँ. सो या दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. आई विल सी यू माय नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, हग्स एंड किसेस, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय.